हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो कि कोलंबिया की तरफ से है। और ये एक ऑलराउंडर शूज कह सकते हैं, किसी भी कंडीशन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का हमारे पास शूज का बॉक्स आता है जब स्टार्टिंग में हम बाय या परचेज करते हैं। सबसे ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा यहाँ पे कस्टमर एविडेंस, जो भी आपको टैगलाइन प्लस की पोस्टिंग और यहाँ पर उसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम एस्केप एंड ये साइज नंबर 8 है जो कि मेरे को आता है, और मेड इन वियतनाम है, मैन्युफैक्चरिंग मार्च 2023 है। एंड ये इंडिया में ऑफिशियली जो इनके पार्टनर हैं वो इसको सेल आउट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो, और कैसा शूज है, आपको क्या क्या इस शूज के अंदर मिलता है, कैसा दिखता है, तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अगर उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द मोर अपडेट। तो कुछ इस तरह का बॉक्स है, और जब हम इसे खोलते हैं तो ये इसकी पैकिंग है। एंड मेरा हाथ कट गया था इससे, तो ये इस तरह की कुछ अनबॉक्सिंग इसके अंदर आती है। बॉक्स को सीधा कर लेते हैं। एंड पेपर है या कल शूज है, तो शूज को निकाल लेते हैं बाहर, बाकी सारी चीज़ों को रख देते हैं साइड में। तो कुछ इस तरह का पहला लुक है हमारे शूज का जो हम अनबॉक्स करने वाले हैं, और काफ़ी ग्रे कलर का है, कोलंबिया के ऑफिशियली ब्रांडिंग के साथ आता है, काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सबसे पहले शूज की बात करते हैं, काफ़ी लाइट और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन किया गया है। इसका सोल का आप देख रहे होंगे, काफ़ी अलग तरीके का सोल दिख रहा है, और कलर तो ऑसम ही है। तो इस शूज को आप किसी भी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, लुक काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी आउटर सोल की। आउटर सोल में आपको ओमनी ग्रिप मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग होती है, जिसको आप मड में यूज़ कर सकते हैं, माउंटेन में यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये टैकलाइट जो बॉक्स के हमने ऊपर देखा, टैकलाइट प्लस का सोल जो होता है, जो मिड सोल होता है, काफ़ी बाउंसी रहता है। तो और ये आपका ना कभी भी मतलब जैसे ईआर सोल होता है वो काफ़ी आपका बंद हो जाता है, मतलब कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगता है कि घिसने लग गया है, और वाटर में वो स्लिप होता है, तो ये आपका वाटर में स्लिप नहीं होगा। और ये शूज आपका वाटरप्रूफ भी है, आउट ड्राई टेक्नोलॉजीज यूज की गई है इसमें, जो कि वाटरप्रूफिंग के लिए होती है। और इसका सामने का आपका जो लुक है काफ़ी अच्छा है, रैक्सिंग की फिनिशिंग दी गई है, और छोटे छोटे इसमें ब्रीदिंग के लिए होल्स दिए गए, एंड साइड में भी आपको काफ़ी अच्छा दिखता है, 100% वाटरप्रूफ के साथ आता है। और ये हाई एंकल शूज है, जो कि आप डेनिम के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रैकिंग पैंट्स के भी ऊपर शूज कर सकते हैं। इसका लो एंकल भी आता है, अगर आपको बाय करना तो ऑफिशियली साइट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, सेम लो एंकल भी आता है, बट वो वाटरप्रूफ नहीं आता है। अगर आपको वाटरप्रूफ का रिक्वायरमेंट है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। तो ये कलर काफ़ी अच्छा है, बट इस शूज में मेरे को एक ही कमी लगी, जो मैंने ट्राई किया था जब मैंने यूज़ किया था इसको, इसका ना थोड़ा अंदर की तरफ जो सोल का कुशनिंग होता है वो काफ़ी कम है। मतलब एक एक्सपेंसिव शू खरीदने के बाद थोड़ा सा कंफर्ट अच्छा होना चाहिए, बट कंफर्ट है, इतना भी ख़राब नहीं है, बट थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था। एंड पीछे की साइड आपको कोलंबिया का लोगो मिल जाता है, और ये आपको एक, इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, बट एग्जैक्टली ये आपको थोड़ा सा इसमें डिज़ाइनिंग के लिए मिल जाता है, और इसमें थोड़ा सा आपको डिज़ाइन काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो डिज़ाइनिंग के बाद आते हैं, तो डिज़ाइनिंग एक आपको रनिंग के लिए भी मिल जाता है, ट्रैकिंग के लिए भी मिल जाता है, तो आप किसी भी कंडीशन में इसे यूज़ कर सकते हैं। और जिस प्राइस पॉइंट में ये मिलता है उस प्राइस पॉइंट में आप चारों या पांचों कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, हाइकिंग, ट्रैकिंग, रनिंग, कैजुअल यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। और प्रोडक्ट का आपका 6 मंथ का वारंटी रहता है बाय परचेजिंग डेट से, जो कि आपको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से रिगार्डिंग कोई भी इशू हो तो आप डायरेक्टली दिखा सकते हैं जहां से आपने परचेज किया है, या फिर आप कोलंबिया के ऑफिशियल स्टोर पर दिखा सकते हैं। तो ये आपका 100% वाटरप्रूफ है, और दिस ट्रैकिंग सीजन आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इस शूज का रिव्यू, तो उसके लिए सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी। इनकेस कोई इशू है आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।